पति पत्नी के गलती की वजह से 6 बच्चे हो जाते हैं। तब पति सीधा 6 बेड उठाकर ले आता है, जिससे कमरा पूरा भर जाता है और बच्चों के पढ़ाई के लिए जगह ही नहीं बच पाता है। तब पत्नी नया कमरा बनाने के लिए सारे बेड को फेंक देती है। सबसे पहले बेड जैसा लोहे का फ्रेम बनाएंगे और उसमें लोहे के पाइप का पिलर भी लगाएंगे जो बेड को सहारा देगा। फिर लोहे के फ्रेम पर अच्छे प्लाई का फ्लोरिंग भी करेंगे और उसके ऊपर आरामदायक गद्दा भी रखेंगे जो बच्चों को अच्छे नींद लेने में मदद करेगा, और साथ ही बेड साइड में घेरा करेंगे ताकि बच्चे सोते वक्त नीचे न गिर जाएं। उसके बाद 4 रैक बनाएंगे जिसमें बच्चों की किताबें और कलम होगी, और साथ ही वह सीढ़ी के लिए उपयोग भी किया जाएगा जिससे बच्चे ऊपर सोने जा सके, और बेड के नीचे 2 बड़े रैक बनाएंगे जिसमें बच्चों का ज्यादा न यूज करने वाला सामान रखा जाएगा। बेड के नीचे खाली जगह है, उसमें हैंगर रखकर बच्चों का कपड़ा रखा जाएगा, और साथ ही एक अच्छा सा गेट भी लगाएंगे, और बेड के सामने ऊपर रैक बनाएंगे जिसमें बच्चों की किताबें और कुछ सजावट के सामान होगी, और उसके नीचे एक बड़ा टेबल बनाएंगे, साथ ही चेयर रखेंगे जिस पर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर सके।